जो पिछले वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको इस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा कि वो सवर्णों के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी हूं और मैं आज जिस मंच पे बैठा हूं वो अजाक्स का मंच है और सरकार अब कान खोल कर सुन रहे कि जो पिछड़े वर्ग का जो अधिकारी और कर्मचारी है वो अजाक्स के साथ है। इस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, अजाक्स के सामने सपाक्स को बिठा दिया गया, नूरा कुश्ती कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार आपको आपके अधिकार नहीं लेने देना चाहती। जिन दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनके बीच में हितों का टकराव है, उन दोनों लोगों के बीच में समझौता कैसे हो सकता है? पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी से बची, और मैं खुलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ लिखता हूं और आज भी लिखता हूं कि किस तरीके से भ्रष्ट वकीलों को और जिनका बैकग्राउंड पुअर है उनको हाई कोर्ट जजों तक पहुंचाया जा रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इनकी गुलामी करें, इस आरएसएस की गुलामी करें। आज जिन लोगों ने व्यापम में इतने सारे केस हारते गए एक व्यक्ति और उसका प्रमोशन होते गए, आज वो हाईकोर्ट जज है, और इस तरीके की चोट पर मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि वो आदमी भ्रष्ट है और खुले हम मैंने उसके खिलाफ लिखा है। ऐसे लोग जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे तो वो कभी भी SC ST और OBC वर्ग के पक्ष में कभी कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। आज हमारा अधिकार था प्रमोशन में आरक्षण, लेकिन ये जो लोग हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ये जो लोग हैं जो आज हाईकोर्ट में बैठे हैं, वो लोग बजाय संविधान पर निर्णय देने के वो उन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं जो लोग आज सरकार में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट जज कैसे बनता है, सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बनता है। कहने को कॉलेजियम है लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक अनुशंसा के आधार पर ही वो लोग बनते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे SC ST के लोग, हमारे OBC के लोग हाईकोर्ट तक पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। घुमा फिरा कर सारे मामलों को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया जाता है और बाद में ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, हाईकोर्ट ने ये बोला है, इसलिए आपको ये करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप राजनीतिक रूप से संगठित हो जाइए, यदि आपको अपने अधिकार चाहिए तो राजनीतिक रूप से संगठित हो जाइए और पंचायत से लेकर संसद तक कब्जा कीजिए, और हर जगह जब आपके लोग होंगे पॉलिसी को आपके हिसाब से बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं संविधान अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है, आज इतने दिनों बाद हमको कभी किसी ने स्कूलों में संविधान नहीं पढ़ाया। हम संविधान की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि आम आदमी उसको समझ ही नहीं सकता है। इस देश में भागवत गीता और रामायण के पाठ तो होते हैं, इस देश में संविधान को लेकर कोई पढ़ाया नहीं जाता है, कोई कभी उसको आसान शब्दों में नहीं पढ़ाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये चाहते तो प्रमोशन में आरक्षण कर सकते थे। इस संविधान के अंदर संशोधन लाए जाते हैं, एक बार यदि संविधान में संशोधन हो गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको कोर्ट में चुनौती देना। जब EWS आरक्षण को आप 103वें संविधान संशोधन से आप लागू कर सकते हैं तो आप प्रमोशन में आरक्षण को क्यों नहीं लागू कर सकते? आप प्रमोशन में आरक्षण को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। मैं बोलना चाहता हूँ इस मंच से मोदी को और सिराज को, जो खुद अपने आप को पिछड़ों का नेता मानते हैं, मोदी बोलते हैं कि मैं घाटी समुदाय का, शिवराज बोलता है मैं किरार समझाने का, अरे उसको किरार लिखने में शर्म आती है, वो लिखता है शिवराज सिंह चौहान, वो अपने आप को एक राजपूत की तरह पेश करते हैं इस प्रदेश के अंदर, जबकि वो पिछड़े हैं और पिछड़ों के लिए उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो काम सवर्णों के लिए कर रहे हैं। यदि वो सही में पिछड़ों के नेता होते तो आज 8 लाख OBC युवाओं की छात्रवृत्ति नहीं रुकती। आज SC ST के हम जो युवा है उनके 1,03,000 बैकलॉग की अच्छी तरीके से काम करने लगता है। 18 साल में यदि एक मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि अभी भी मैं बैकलॉग के पद भरूंगा तो मुझे लगता है कि इनकॉम्पिटेंट है, उसकी तत्काल हटा देना चाहिए। तो हम लोगों को राजनीति में जाना चाहिए और हर उस जगह जाना चाहिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे मीडिया हो, हर जगह हमारे लोगों को कब्जा। IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आरक्षण नहीं है, आप लोग मांग करिए कि वहाँ आरक्षण हो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में OBC के लोगों को आरक्षण के लिए DMT के स्टालिन ने जिन्हें याचिका लगाई, बहुत जल्द हम NLU में भी होंगे। जब हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और IIMC जैसे संस्थानों में कब्जा करेंगे, जब हम IIT और एम्स जैसे संस्थानों में कब्जा करेंगे, तब जाके हम बड़ी पोजिशन पर पहुंचेंगे। और हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा एक नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमको पढ़ना चाहिए, और संविधान में जब हम आस्था रखेंगे, संवैधानिक तरीके से जब हम चलेंगे। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े वकील हमारे समुदाय से क्यों नहीं है, हम उस चीज का गहन अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़े वकील बनाए जाते हैं, किस तरीके से सीनियर एडवोकेट बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कोर्ट तेजी बात कर रहे थे, सीनियर एडवोकेट 3 लाख रुपया फीस लेते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा सीनियर एडवोकेट है, 5 भी एससी एसटी के नहीं है। जब आपका सीनियर एडवोकेट ही नहीं बनाया जाएगा तो वो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जज कैसे बनेगा? जब हाईकोर्ट में यदि आप जाएंगे, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, महाधिवक्ता कार्यालय शासन के अधीन आता है, वहां पर एसटी एससी का कोई वकील ही नहीं है। पूरे एजी ऑफिस में ग्वालियर में नहीं है, जबलपुर में नहीं है और इंदौर में भी नहीं है। जब जाकर अभी हमने खूब ज्यादा मांग उठाई, 2-3 ओबीसी के लोगों को छोटा मोटा डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट टाइप बना दिया गया। आज भी जो बड़े पद है, एडिशनल एडवोकेट जनरल डिप्टी एजी, सब सवर्णों के हाथ में। तो जब आप वहां पर जो सरकार के सलाहकार हैं, जिनको सरकार का विधिक सलाहकार बोलते हैं, जब वही हमारे समाज के लोग नहीं है तो सरकार को सलाह वो सवर्णों के हिसाब से देंगे, क्योंकि वो अपने वर्ग का ध्यान रखते हैं। भले ही हम लोग अपने वर्ग का ध्यान नहीं रखें, लेकिन वो लोग हमेशा अपने वर्ग का ध्यान रखते हैं। तो हमको ऐसी जगह आना पड़ेगा जहां से नीतियां बनती हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के कलेक्टर सवर्ण क्यों है? क्या हम लोग इनकॉम्पिटेंट है? क्या हम में पावर नहीं है? क्या हम लोगों में सोचने समझने की क्षमता नहीं है? आज आप बताइए, सारे बड़े जगह के जितने भी क्रीम पद हैं, जितने भी बड़े पद, क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्ट हैं और उनको पैसा कमा के देते हैं। हमारे लोग भ्रष्टाचार में बहुत नीचे हैं, इतना भ्रष्ट नहीं है। ये लोग इनको पैसा कमाने की देने की ताकत रखते हैं, इसलिए इनको बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े जिलों में कलेक्टर बनाया जाता है, बड़े बड़े जिलों में इनको एसपी बनाया जाता है। मुझे आप बताइए, पिछले 30 साल से मैं आज इंदौर में हूँ, मैंने यहाँ कभी किसी एसपी एससी के आदमी को कलेक्टर के पद पे नहीं देखा। क्यों? क्या हमारे लोगों में उतना ब्रेन नहीं है? लेकिन हम उतने भ्रष्टाचारी नहीं है, हम लोग ईमानदार हैं, इस देश से, इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज भी हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा। आज जेएस के कारण और हम लोगों ने जो जागरूकता खड़ी की, आज हमारे क्रांतिकारियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ। आज आप देखिए कि आज आईएसबीटी असिस्टेंट का नाम संध्या मामा के नाम पे हुआ, पातल पानी में हुआ। आज आप देखिए, हेमू कालाना जी पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन इस चौराहे पे है। कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में, सखर में, सिंध प्रांत में पैदा हुए, लेकिन आज वो इस चौराहे पे। हमारे टंटिया मामा जी की मूर्ति आज तक भौर का चौराहे पे स्थापित नहीं करवा पाया। तो आज बताइए, सिंधियों ने पाकिस्तान से आकर आज अपने क्रांतिकारी की मूर्ति इस कलेक्टर कार्यालय के सामने रखवा दी। लेकिन हम लोग जो इस मध्य प्रदेश के 22% है आदिवासी, आज हम हमारे क्रांतिकारियों की मूर्तियां उनके नाम पर संस्थान करवाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो संचित रहिए, डॉक्टर आनंद राय और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, और एसटी एससी ओबीसी को इसी तरीके से भी हम संसद रहे तो हमारे हक और अधिकार हम लेकर रहेंगे।